स्कूली बच्चों को किताबी शिक्षा देने के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी निपुण बनाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में अग्रबंधु समन्वय समिति और CF Andrews स्कूल आगरा के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन पार्षद मुरारीलाल गोयल और सतीश चंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। अग्रबंधु समन्वय समिति एवं CF Andrews स्कूल आगरा के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन 20 मई को विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन श्री मुरारी लाल गोयल पेंट्स पार्षद एवं सतीश चंद्र अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पार्टिसिपेट करते हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ आते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार से जो बच्चों की भीड़, उनके परिवार की माताओं की बहनों की उनके पिताजी की यहाँ जो भीड़ है वो आज आए हुए हैं। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको बाकायदा पूरे हफ्ते ये सिखाया जाता है जो जो गेम है हमारे पास। सोलह आइटम है। इनको बच्चों को बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे सीखते हैं और यहाँ से जाके घर पे भी उसकी जो है प्रैक्टिस करते हैं। इसका पूरा परिवार पे असर पड़ता है। यहाँ से जो सीख के जाते हैं परिवार को बताते हैं हमने वहाँ ये सीखा और ये इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से, समर कैंप के माध्यम से, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आगरा के अंदर अग्रबंधु समन्वय समिति के माध्यम से पिछले 15-20 वर्षों से लगातार समर कैंप चलाया जा रहा है। उसकी सारी आगरे में चर्चा होती है, लोग तारीफ करते हैं कि वास्तव में यहाँ से बच्चे सीख के जो जाते हैं उसका असर पूरे परिवार में पड़ता है। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण वर्ग सेंट एंड्रूज सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं अग्रबंधु समन्वय समिति के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन चल रहा है। लगभग 1400 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और जूडो, कराटे, स्केटिंग, डांस बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, कैलोग्राफी और पेंटिंग, ड्राइंग आदि, ढोलक बजाना, मोबाइल चलाना आदि आदि की करीब 16 विधाएं यहां बच्चों को सिखाई जा रही हैं। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का यह प्रशिक्षण वर्ग है और एक तरीके से बच्चों को छुट्टियों में एक अच्छी खुराक देने का काम, और जैसे 10 महीने तक पढ़ाई लिखाई करते करते बच्चे एकदम से पढ़ाई के ही हो जाते हैं, किताबी कीड़े से बन जाते हैं, उनको एक बार धरातल पर लाकर और सारी पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सिखाने का काम अग्रबंधु समन्वय समिति के द्वारा किया। ये पहल तो हम हर वर्ष आयोजित करते चले आ रहे हैं, कई वर्षों से लगातार हमारा ये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर CF Andrews के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। हर वर्ष की भांति इसमें लगातार हमारे सहभागिता करने वाले बच्चों की बढ़ोतरी हो रही है और इस वर्ष भी लगभग 1500 बच्चों का हमारा लक्ष्य है जो हमें पूरा होता नज़र आ रहा है। लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगभग 20-22 विधाओं का हम यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं जिसमें लगभग 50 से 55 हमारे प्रशिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं। समिति के भी 70-80 हमारे कार्यकारी सदस्य इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और आप सभी के सहयोग से हमें ये उम्मीद है कि इसका लगातार नगर में प्रचार प्रसार होगा और भी इसमें सहभागिता करने वाले इच्छुक हमसे जुड़ेंगे। आज ही हमारा श्री अग्रबंधु समन्वय समिति का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं और हर साल ये काफ़ी समय से हम लोग ये शिविर लगा रहे हैं और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि बच्चों को बड़ी रुचि रहती है यहाँ पर सीखने के लिए और 10 दिन में ही बच्चे इतने सीख जाते हैं कि हमारे जो बच्चे यहाँ सीखने आते थे आज वो बच्चे सिखा रहे हैं तो हम लोगों को भी बड़ा गर्व होता है। लेकिन हमारी इसके पीछे मेहनत इतनी होती है कि हम लोग 2 महीने पहले से लगते हैं और 1 महीने बाद तक लगती है, इसलिए मेरा सभी से कहना है कि सभी बच्चे आएँ और यहाँ प्रशिक्षण लें। इसी के साथ तारा चंद मित्तल, BK अग्रवाल, संतोष गोयल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, रमन अग्रवाल, रवि अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, सचिन मित्तल आदि लोग उपस्थित रहे एवं समस्त स्टाफ कार्यकर्ता ने भी उपस्थित रही। मुन्नी उसके लिए तारा चंद की रिपोर्ट।